तो हम चाहते हैं इन दोनों रिपोर्ट में से किसी एक रिपोर्ट को इसके यहाँ पे शो करना, और हम अपना यहाँ पे अगर B4 में हम चेंज करें तो यहाँ पे चेंज होता है। तो इसको जो है आप VBA और क्या क्या चीज के जरिए शो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक सिंपल सा पेस्ट एज ए लिंक से शो कर सकता हूँ। जी हाँ, पेस्ट एज ए लिंक से। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पूरे एरिए को सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं इसका ग्रिड लाइन हटा देता हूँ ताकि लाइन ही ना दिखे पेज लेआउट में। मैंने ग्रिड लाइन हटा दिया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद रिपोर्ट पे हम आते हैं और यहाँ हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करते हैं, राइट। लेकिन पिक्चर लिंक करने पर फिर दूसरा कैसे आएगा, इससे कनेक्ट कैसे होगा? तो यहाँ से हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, पर एड्रेस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में गया, डिफाइन नेम में गया, एक शॉर्ट नेम डाल दिया, इसका नाम डाल दिया DL, और इसको हमने डिफाइन किया, और इसको क्या कर दिया हमने इसका नाम जो डिफाइन क्या कर दिया हमने MH कर दिया, ठीक है। तो जो हमने पेस्ट एज ए लिंक ले गए हैं यहाँ रिपोर्ट पे, जो ऊपर एड्रेस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल DL लिखूंगा तो DL का आ जाएगा, और यहाँ पे हम MH लिखेंगे तो MH का डेटा आ जाएगा। आ गया सर? हाँ जी आ गया। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ से चाहता हूँ करना, यहाँ चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ अगर MH किया तो यहाँ करते ही आ जाए, मुझे हर बार इसको सिलेक्ट करके एड्रेस में ना डालने का। ओके समझे? ऑलराइट। तो कैसे होगा ये चीज? तो बेसिकली सबसे पहले जानिए कि क्या है MH। जो है एक नेम है, तो मेरे पास MH नाम का एक लोकेशन भी है, हमने शॉर्ट नेम डिफाइन किया हुआ है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला इस सेल वैल्यू H को MH से लिंक नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैं इक्वल टू सम फॉर्मूला लेता हूँ, सम, और सम के अंदर मैंने MH ऐसे लिखा ना सर, तो सम दे देगा मेरा, लेकिन यही मैं बोलूं कि सम और हम बोले MH, एंटर मारूंगा तो ये जीरो देगा। मतलब तो सम जो है इस जो सेल B4 पे सेल वैल्यू डली MH, इसको कभी समझा ही नहीं कि एक तरह से एक रेंज है, रेंज का नाम है। okay. क्या समझ रहा है? एक टेक्स्ट है, मतलब ABCD टेक्स्ट है। समझे? समझे, ABCD समझ रहा है। तो क्या करें इसके लिए? मैच नहीं, इनडायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके कोई भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट करता है। तो इस MH को इसने कन्वर्ट किया किसमें? MH का है ना, इनडायरेक्ट ने कन्वर्ट किया किसमें? ये जो MH का जो रिकॉर्ड आ रहा है ना, इसमें देखिए, जो चेक करना है तो फॉर्मूला एवलेट में जाइए, देखिए यहाँ पे भी क्या मिला, इन्वर्टेड कोमा में MH मिला, मतलब इनडायरेक्ट को क्या मिलना है, टेक्स्ट मिलना है, एबीसीडी मिलना है। इनडायरेक्ट ने इस MH को कन्वर्ट कर दिया रेंज में, कर दिया MH के रेंज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, असम को एक एरिया मिल गया दोस्तों, सम मार दिया यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि क्या हम इस पिक्चर पे यहाँ इनडायरेक्ट, यहाँ इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर B4 डाल दो, B4 है ना, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? इसमें प्रॉब्लम इनडायरेक्ट की नहीं है, प्रॉब्लम आपका पिक्चर लिंक का है। पिक्चर लिंक कहता है कि मैं सिर्फ रेफरेंस, डायरेक्ट रेफरेंस लूंगा, क्या लूंगा? डायरेक्ट रेफरेंस, या फिर मैं लूंगा कोई नेम, डिफाइन किया हुआ नेम। मैं यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, सिंपल कह रहा है। तो डिफाइन नेम क्या कहता है? डिफाइन नेम कहता है कि आप हमारे अंदर फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक SH नाम का फॉर्मूला लिया, SH नाम का एक नेम लिया, और हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लगाया जो कि हम पिक्चर में लगा रहे थे, और इसमें हम ये जो है आपका B4 दे देते हैं, दे दिए, ठीक है। इसको हम फीच कर देते हैं एंड ओके।
अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां कर दूंगा sh। अब मैं यहां पे dl लिखूं तो dl का रिवर्ट आ जाएगा, mh लिखूं तो mh का आ जाएगा। कैसे आ रहा है? देखिए क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग नाम है, dl और mh, ये लोकेशन है, शॉर्ट लोकेशन मान लीजिए लोकेशन। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चार्ट को ये समझना है कि यहाँ लिखा गया एम एच ए एम एच है, ये समझाने का काम हमारा इनडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट जो है एस एच को समझा दे रहा है और एस एच जो है किसको भेज दे रहा है, आपके पिक्चर्स को भेज दे रहा है, समझ गए। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लगा दीजिए तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के जरिए लिस्ट में डेटा वैलिडेशन लिस्ट और यहां पे कर दीजिए एम एच कॉमा डी एल। ओके राइट सर, राइट। सिंपल कंसेप्ट है, कोई इसमें बड़ा चीज नहीं, सिर्फ एक फॉर्मूला इनडायरेक्ट लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा। इनडायरेक्ट हमें अल्टीमेटली वहां पे पहुंचा रहा है जहां पे वो डेटा पड़ा है। देखिए इनडायरेक्ट में कंफ्यूजन है ना, समझिए रुकिए मैं समझाता हूँ अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, तो किसी भी सेल पे अगर आप यहाँ पे इक्वल A1 लिखते हैं तो क्या होता है, A1 को कंसीडर कर लेता है, कर लिया। लेकिन मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे A1 लिख दिया और मुझे जो है इसको क्लिक करूं तो इस A1 को कंसीडर करके रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि इसको A1 जब वैल्यू समझ रहा है, A1 को रेफरेंस समझ नहीं रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लगा दूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, A1 को एज ए टेक्स्ट ना समझ के रेफरेंस समझेगा और 25 यहाँ शो करेगा। Got it ना? समझ गया? ऐसा यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मतलब वो रेफरेंस किसको लेगा, कॉलम नंबर को, कॉलम नंबर A1 A2 A3 जैसे A और 1 अलग अलग डाला हुआ है तो आपने क्या किया इसको कंबाइन कर दिया कि A के साथ 1 कंबाइन हो तो A1 एड्रेस बन गया, राइट। तो मुझे A1 का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट कर दिया, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसमें A1 ले लिया। अब क्या होगा कि मैं एक यहाँ पे A1 के जगह पे 2 डाल दूंगा तो A2 का आ जाएगा, B कर दूं तो B आ जाएगा, C कर दूं तो C का आ जाएगा, समझे। A3